नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। आवाज बाढ़ पीड़ितों के एपिसोड में आपका स्वागत है। भंडारा जिले में गत सप्ताह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। नदी नाले तालाब उफान पर है, कई जगह तो भयानक बाढ़ आई है। इस वर्ष की बारिश ने ना जाने कितनों का नुकसान किया है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज जिले के उन क्षेत्रों की खबरें आपको दिखा रहा है जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भंडारा जिले के बेला में दवड़ीपार मार्ग पर कुछ 100 से 150 मकानों की बस्ती है, जो गत 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से पीड़ित है। यहाँ के किसानों व नागरिकों से जब बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने मुलाकात की तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उनकी स्थिति बेहद ही दयनीय हो गई है। नागरिकों के घर में बाढ़ का पानी घुसने से उनकी जीवनावश्यक सामग्री भी खराब हो गई है। किसी के पैसे गीले हुए तो किसी का अनाज, और इससे भी ज्यादा किसी को नुकसान उठाना पड़ा है तो वो किसान है। जब बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने किसानों से पूछा नुकसान के बारे में तो उन्होंने बताया कि 1-2 एकड़ की खेती में करीबन 1,00,000 रुपए की लागत से बुआई की गई थी। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। और विशेष बात तो ये है कि अभी ने शासित प्रशासन की ओर से भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। इन्हें स्वयं की सुरक्षा व सुध स्वयं ही करनी पड़ रही है। नमस्कार, क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम दौड़ीपार से कवर्सी रूट पे अभी खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर्सी रूट पे जो नाला जाता है वो नाले का पूरा पानी खेतों में डूबा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी खेत जो है पूरी पानी में तब्दील हो चुकी है। अब ये कोई फसल कोई काम की बची हुई नहीं है। यहाँ पर काफ़ी किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और उन किसानों से हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या नुकसान हुआ है, किस तकलीफों के सामने, और ये पानी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कोई भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या नाम है आपका? भगवान राठौड़। भगवान भीषण राठौड़। भगवान भीषण राठौड़ जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनकी खुद खेती, कितनी एकड़ खेती है? 2 एकड़ खेती। 2 एकड़ खेती। कब से पानी घुसा आपकी खेती में? कल से पानी घुसा। कितने का नुकसान हुआ है और क्या काश्तकारी के लिए क्या क्या आपका है? हमारे धान की नुकसान हो गई और जोड़ पास हमारा 1,00,000 का नुकसान हो गया और हमारा जो झोपड़ा है गैया का उसका नुकसान हो गया, वो गिर गया। अच्छा, आपको प्रशासन में किसी प्रकार की जानकारी दी थी कि पानी बढ़ने वाला है या पानी आने वाला है? नहीं नहीं, किसी प्रकार की जानकारी नहीं। एक एक पानी कितने बजे से बढ़ना शुरू हुआ? वो रात से हो गया, अभी तो वो सुबह ज्यादा आ गया और पूरा बढ़ गया। और आपके आजू बाजू में कितने परसर कितने एकड़ की खेती होगी? इसी आजू बाजू में करीब करीब 40-50 एकड़ की खेती पूरी पानी में चुकी है। देखो दोस्तों, हम आपको खबर के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ये जो काश्तकार पे बड़ा एक आफत आ पड़ी है, जो पानी नैमिषारण्य नदी का बैकवाटर आने के कारण बड़ी तादाद में जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है। और कोई काश्तकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या नाम है उनका? गोपीचंद मेसराम। कहा सांगेल, कहा परेशानी चालू है तुमच्या? परेशानी म्हणजे आमच्या शेतामध्ये पाणी घुसला, पूर्ण धान सल्ले। काही गोसेमध्ये जमीन आलेली आहे का याच्यावर? ते आलेली नाही आहे अजून, त्यांना घेतलेली नाही आहे। पर हे पहिल्यांदा पाणी आला का याच्या अगोदरी? नाही, हा पहिल्यांदाच पाणी आहे। 1984 मध्ये आला होता। 1984 नंतर आता हे दुसरा वेळ आहे। 2000 मध्ये किती नुकसान झालेलं आहे तुमची? आमच्या 2 एकर मध्ये शेती होती, तरी कमी 1,00,000 नुकसान झाली आमची। नुकसान झाली, काय मागणी सरकारची? काय मागणी आहे तुमची? आमची काय, आता 1,00,000 रुपये भरून द्यावा त्यांनी आम्हाला। आमची शेती डुबली, आमचे ते सर्व धानात पूर्ण सडून राहिले, 3-2 दिवस झाले ते धान पाण्यामध्ये डुबलेले। हम यही चाहते हैं सरकार से खबर के माध्यम से प्रकाशित यही करना चाहते हैं कि जो किसानों का नुकसान हुआ है सरकार यहाँ पर आकर जायजा करे और जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई दे। हमारे साथ में पवन मस्के भी जुड़े हुए हैं। पवन मस्के जी, बताएंगे कि ये क्षेत्र में काफ़ी यहाँ पर ये क्षेत्र में जांच पड़ताल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं, जो इनसे मदद हो चुक रही है वो मदद इनको कर रहे हैं। पवन मस्के जी, क्या बताएंगे आप, किस प्रकार की परेशानी में जूझ रहे हैं आप, यहाँ का जायजा कर रहे हैं बार बार? हाँ, जो क्षेत्र है हा दवड़ी पार ते कवड़सी वाला रोड है आणि हा कोणत्याही प्रकारचा बुडीत क्षेत्र नाही आहे। एक छोटासा नाल्याचा पाणी बॅकवॉटर म्हणून येत आहे। शासनाने यांना कोणत्याही प्रकारची मोबाईल सुविधा करून दिलेली नव्हती, ना इंटिमेशन केलं होतं। माझा शासनामार्फत आमच्या शेत बळीराजासाठी एक हे आहे की कृपया करून त्यांना पशुखाद्य आणि जे औषधोपचार जे
त्यांची नुकसान झाली आहे ते शासनाने लवकरात लवकर त्यांची भरपाई करून द्यावं आणि एक हेक्टरी 60,000 रुपये 50,000 ते 60,000 रुपये त्यांना सुविधा आर्थिक मदत शासनाकडून करावी हीच आमची मागणी आहे. नाव सांगा तुमचं. शेपल गोविंद राखडे दवडीपार. किती एकर तुमची दुभारी आहे? किती? 3 एकर आहे. त्याच्यामधून 1 एकर शेती लाईनच्या बाजूला गेलेली आहे पाण्यामध्ये घोषेमध्ये आणि 2 एकर शेती वाचलेली आहे ते आता या पाण्यामध्ये पूर्ण डुबलेली आहे. त्याची नुकसान भरपाई आम्हाला भरून द्यावी शासनाने. कितीचं नुकसान झालं असेल? माझी कमीत कमी 1.25 लाखाची नुकसान झालेली आहे. 1.25 लाखाची नुकसान झालेली आहे त्याची भरपाई. आता कोणी शासनाचे कोणी व्यक्ती आले होते का तुमच्याकडे? नाही नाही कोणी आले नाही आणि कोणी आम्हाला इथला दिला नाही माहिती नाही केला. 1 कट्टे पाणी वाढला रातच्या वेळेस पाणी वाढला सर. पाणी वाढला ना असं तू जानकारी भेटली तिला तुम्हाला? नाही 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 पाणी वाढणार आहे म्हणून ही जानकारी नाही मिळाली. तुमच्या शेतीला किती घेती आहे अंदाजे लागून? माझ्या शेतीला कमीत कमी 25-30 एकर शेती अशी भोवताला आहे. नाही नाही हे किती शेती दुबली असेल पूर्ण आतापर्यंत? आता येथून लावा टप्पा तुम्ही एकदम फुल्यापर्यंत साहेब कमी आता ते 50-60 च्या कटकटी शेती आहे. आपको बता दें कि 50 से 60 एकड़ जमीन जो है पूरी तरह से पानी में समावेश हो चुकी है और इसमें जितने भी काश्तकार आते हैं ये पूरी तरह से इनको मरने की नौबत आ चुकी है क्योंकि इनके पास कुछ भी अभी साधन नहीं बचा है. जिस काश्तकारी के कारण इनकी पूरी रोजमर्रा जिंदगी चलती है वो पूरी तरह से डूब चुकी है और बार बार हर किसान किसान से सरकार से गुजारिश कर रहा है ताकि उनको मुआवजा मिले और यहाँ आकर प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर देख रेख करें और उनकी जांच पड़ताल करें किस तरह से किसानों की डूबी हुई है. प्राइम मीडिया न्यूज आपको पल पल की खबरें दिखा रहा है. जुड़े मनोज किशन बांधे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. उनकी भी खेती पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और उनकी क्या समस्या है और क्या मांगनी है आइए उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है. क्या बताइए आप? आमची जागा घोषित गेली ना सर. 3.5 एकर प्लॉट आहे. 1.5 एकर घोषेमध्ये गेली आहे. बाकी वाचली आहे. त्याचा पैसा आपल्याला भेटला नाही. काय मागणी काय तुमची? काय मागणी? आमची घोषित जागा घेतल्या नाही त्याचा पैसा आम्हाला भेटला पाहिजे. आमच्या शेतामध्ये धान आहेत. धानामध्ये शिंगाळा आला आहे. झोपडी आहे. ढोरं वासरं पाण्याखाली आहेत. आप देख सकते हैं कि इनकी पूरी खेती इनका पूरा जो जो कोठा होता है जो जानवर रखने का वो भी पूरी तरह से डूब चुका है और आप पानी में जो देख रहे हैं हम जो नज़ारा दिखा रहे हैं आपको ये पानी में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है खेती और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ सिंघाड़े के पत्ते दिख रही है और वो पूरा खेतों में समावेश हो चुका है जिसके कारण पूरी खेती जो है कोई भी काम की नहीं बची है. हम यही चाहते हैं प्रशासन से बार बार गुजारिश कर रहे हैं खबर के माध्यम से प्रशासन इस पर ध्यान दे और इनको जो भी इनका डूबा हुआ है इनका सर्वे करे और इनका मुआवजा इनको दे. क्राइम इंडिया न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जुड़े रहे शमशेर खान क्राइम इंडिया न्यूज. BS क्राइम इंडिया न्यूज अपने दर्शकों व नागरिकों से अपील करता है कि यदि आप नदी नाले तालाब या बांध से सटे परिसर में रहते हैं तो बारिश के मद्देनजर अपनी आवश्यक सामग्री लेकर किसी उचित स्थान पर स्थलांतर कर ले. BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब वेबसाइट ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक कमेंट और शेयर करें. साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BSCrimeIndiaNews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे.